अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में खेत देखना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब में खेत देखा है तो इसकी मौसमों के हिसाब से 5 डिफरेंट रीजंस होती हैं। नंबर 1, लोगों के बेटे देखना। नंबर 2, अगर कोई देखे कि खेत को काटा है तो इसका मतलब है कि लोगों में लड़ाई झगड़ा होगा। इसी तरह अगर कोई देखे कि किसी वाकिफ खेत में है तो इसका मतलब है कि दीन और दुनिया को बेहतर अंदाज में गुजारेगा। अगर कोई देखे कि खेत में बीज बोया है, काटा और गल्ला निकाला है, इसका मतलब है कि आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। अगर कोई देखे कि खेत में से गुजर रहा है, इसका मतलब है नेक काम करेगा। अगर कोई ख्वाब में खेतों की कटाई देखे तो लड़ाई और झगड़ा है। अगर कोई देखे कि खेत में गया और लोगों ने सब्जी चीजों को काट दिया है, यानी फलों को पकने नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि मसारिफ में फजूल खर्ची करेगा। खेत में आग का लगना और सब कुछ जल जाना, मुल्क में कहत पड़ना या चीजों का महंगा होना है। अगर कोई देखे कि अपने खेत को पानी दे रहा है, इसका मतलब है ऐसा काम करेगा जिससे दुनिया और आखरत की भलाई कमाएगा। अगर कोई देखे कि खेत में आग आ गई है और उसने खेत जला दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हुक्मरानों की तरफ से सख्त फैसलों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई देखे कि खेत में बहुत बड़ी नहर आ गई है, तो इसका मतलब है कि तंगी और कहत आएगा। अगर कोई देखे कि गंदम के खोशों से जमीन पर दाने गिरे हैं, इसका मतलब है कि खेती में नुकसान होगा। अगर कोई देखे कि खेत सरसब्ज शादाब है, इसका मतलब है कि नेमत फराख होगी। ख्वाब देखने में अगर किसी ने देखा कि पके हुए खेत को काटा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरी वाली, आसानी वाली, खुशियों भरी जिंदगी से नवाजेगा। मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला आपके ख्वाब को आपके लिए अच्छी ताबीर अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए ख्वाब की ताबीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।